नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड लेज़र सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइपोसक्शन के बारे में। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन अभी भी पेशेंट्स के माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन है और वो लाइपोसक्शन को एक वेट लॉस प्रोसीजर की तरह मानते हैं। पेशेंट्स को लगता है कि हम लाइपोसक्शन करवा कर अपना वेट कम कर लेंगे और इससे हमारे ओबेसिटी को फ़ायदा होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि लाइपोसक्शन का मतलब है कि किसी बॉडी के एक हिस्से में हम छोटा सा होल करके उसमें से फैट सक कर लेते हैं। लाइपो यानी फैट, सक्शन मतलब किसी चीज़ को सक करना। तो इस तरीके से हम पूरी बॉडी से या पूरी बॉडी के अंदर के ऑर्गन से हर जगह से फैट सक नहीं कर सकते। लाइपोसक्शन एक लोकलाइज्ड फैट कलेक्शन को ठीक करने के लिए है और बेसिकली ये बॉडी रीशेपिंग प्रोसीजर है। यानी कि कहीं किसी एक हिस्से में अगर फैट ज़्यादा है तो उसे हम लाइपोसक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी की शेप बेटर हो जाए, रादर देन कि हम पूरी की पूरी बॉडी में से फैट निकाल दें। ओबेसिटी का मतलब है कि आपके बॉडी में हर जगह फैट ज़्यादा है, यानी फेस, नेक, आपकी चेस्ट, एब्डोमेन, थाइस, हिप्स और पेट के अंदर के हिस्से, जैसे लीवर के अंदर फैट यानी फैटी लीवर, किडनीज़ के अराउंड फैट, पैंक्रियास के अराउंड फैट, ओमेंटम, हर एक जगह पे फैट डिपॉजिट नॉर्मल से ज़्यादा हैं। और अगर आपको लगता है कि लाइपोसक्शन से ये सारी फैट निकाली जा सकती है तो ये सरासर गलत है। लाइपोसक्शन आप करवा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके किसी एक हिस्से में फैट ज़्यादा है, यानी कि जैसे लोअर एब्डोमेन, पेट का निचला हिस्सा, अगर आपको सिर्फ वहीं और वहीं फैट कुछ ज़्यादा है तो लाइपोसक्शन से आप उसे कम करवा सकते हैं, अगर बाकी की बॉडी की शेप आपको एक्सेप्टेबल है तब। बहुत बार पेशेंट को लगता है कि ऐसा है, लेकिन जब वो डॉक्टर्स के पास आते हैं तो हम उनका हाइट वेट चेक करके, उनका बीएमआई एनालिसिस करकर देख पाते हैं कि उनका वेट एक्चुअली नॉर्मल से कहीं ज़्यादा है और वो लाइपोसक्शन के कैंडिडेट नहीं हैं। इसे अगर हम एक फॉर्मूले से देखें तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर है तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको लाइपोसक्शन की नहीं बल्कि एक जनरलाइज्ड वेट लॉस प्रोसीजर की ज़रूरत है, जैसे कि बलून, स्वेलोपेल या कोई बेरियाट्रिक सर्जरी। इसीलिए लाइपोसक्शन को वेट लॉस की तरफ से नहीं लीजिए। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि लाइपोसक्शन करवा कर हमारा कितने केजी वेट लॉस हो जाएगा। ये एक गलत क्वेश्चन है, क्योंकि लाइपोसक्शन से हम वेट को कंपेयर नहीं कर सकते और ज़्यादातर केसेस में लाइपोसक्शन कंप्लीट लोअर एब्डोमेन की करने के बाद भी 2 से 4 kg या 5 kg से ज़्यादा वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा फैट सक कर लेंगे तो वो बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है और एक सिंपल प्रोसीजर लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसीजर में कन्वर्ट हो सकता है। सो लाइपोसक्शन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि अगर थ्रोट में फैट ज़्यादा है तो थ्रोट की लाइपोसक्शन की जा सकती है, इसी तरह चेस्ट में, एब्डोमेन में, थाइस में, हिप्स में, इन सभी जगहों पर एक एक करके लाइपोसक्शन की जा सकती है, लेकिन सभी को एक साथ नहीं किया जा सकता। और अगर हम इन सभी जगह से लाइपोसक्शन कर भी लेंगे तब भी बहुत सारे ऐसे बॉडी के स्टोर्स हैं फैट्स के जिनको हम नहीं रिमूव कर पाएंगे, और इनको कंबाइन करने के बाद भी ये एक स्पेसिफिक वेट लॉस सर्जरी नहीं बनेगी। दूसरा कारण ये है कि लाइपोसक्शन के बाद आपके डाइजेशन में, आपके फूड के इनटेक में कोई कमी नहीं आएगी, वो जैसा था वैसा ही रहेगा और वेट रीगेन होने का रिस्क भी रहेगा। कहा जाता है कि फैट के स्टोर्स यानी उनके जो सेल्स हैं उनको लाइपोसक्शन से हम रिमूव कर देंगे तो उसके बाद वो दोबारा नहीं आएंगे। ये 100% सच नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स जो ऑलरेडी लाइपोसक्शन करवा चुके हैं उनको दोबारा वेट गेन होने की वजह से हमने बेरियाट्रिक सर्जरी की है। ये माना जाता है कि अगर फैट के सेल्स रिमूव कर दिए जाएं तो नंबर ऑफ़ फैट सेल्स कम हो जाएंगे और उतना वेट गेन नहीं होगा जितना पहले था, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। फैट सेल्स उस जगह कम हो जाएंगे, वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाएगा, लेकिन अगर आपका इनटेक और बॉडी की मेटाबॉलिज्म सेम रहेगी तो किसी ना किसी फॉर्म में ये वेट रीगेन होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी रहती है। सो लाइपोसक्शन एक अच्छा प्रोसीजर है, हमारे यहाँ ये रेगुलरली किया जाता है, वर्ल्ड ओवर ये ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन इसकी इंडिकेशन सही होनी चाहिए, यानी आप तभी करवाएं अगर ये आपके केस में प्रॉपर फिट बैठता है,
और इसे एज अ वेट लॉस प्रोसीजर ना समझें। इसके अलावा एक और प्रोसीजर है जिसे हम टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी के नाम से जानते हैं, जिनमें हम लोअर एब्डोमेन की स्किन और फैट को रिमूव कर देते हैं। इसे भी लोग वेट लॉस प्रोसीजर मानते हैं, लेकिन ये भी एग्जैक्टली एक बॉडी रीशेपिंग सर्जरी है। यानी अगर लोअर एब्डोमेन का हिस्सा आपका नीचे को हैंग कर रहा है तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। इसमें भी सिर्फ उतना ही वेट लॉस होगा जितना कि उस हिस्से का वेट है, जो 2 से 5 kg लगभग होता है, और बाकी बॉडी वैसे ही रहेगी। एब्डोमिनोप्लास्टी यानी टमी टक को लाइपोसक्शन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। जो हिस्सा रिमूव हो रहा है उसे हम रिमूव कर देंगे और जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें हम लाइपोसक्शन करके उसकी शेप बेटर कर सकते हैं। इन दोनों को काफ़ी फ्रीक्वेंटली कंबाइन किया जाता है उन पेशेंट्स के लिए जिनकी बाकी बॉडीज ठीक है और सिर्फ लोअर एब्डोमेन में ही ये प्रॉब्लम है। सो आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको आइडिया लगा होगा कि लाइपोसक्शन की इंडिकेशंस क्या हैं, टमी टक यानी एब्डोमिनोप्लास्टी कब करवानी चाहिए, और ये बेरियाट्रिक सर्जरी या गैस्ट्रिक बलून से किस तरह डिफरेंट।